क्या सिर्फ 3-4 महीनों में ही कैमरा फियर दूर हो सकता है? तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत टेंशन किया। यू वांट वाटर? बिल्कुल हो सकता है। अगर आज का वीडियो आपने पूरा देखा तो ये सारे डर खत्म हो जाएंगे और आप भी जान जाएंगे कि कैसे आप 3-4 महीनों में ही एक प्रोफेशनल शूट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और ऑन लोकेशन जो वीडियोस होते हैं उनको आप बहुत पसंद करते हैं क्योंकि एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है आपकी घर बैठे, जहां पर आप सीख पाते हैं कि कैमरा के सामने शूटिंग कैसे की जाती है, नए एक्टर कैसे परफॉर्म करते हैं, ऑन लोकेशन जब वो जाते हैं तो डायरेक्टर उनको कैसे समझाते हैं। इस तरह की ओरिजिनल प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कहीं पर भी अपनी भाषा में देखने को नहीं मिलती, बल्कि किसी भी भाषा में देखने को नहीं मिलती। क्योंकि जो ऑन लोकेशन वीडियो या BTS आप देखते हैं बड़ी बड़ी फिल्मों के, वो स्टार्स के होते हैं, उन एक्टर्स के होते हैं जो स्थापित हो चुके हैं। जबकि ऑन लोकेशन वीडियो आपको जो जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते हैं वो वही हैं जो कभी आपके जैसे थे। जैसे कि आप सपना देखते हैं इस तरह की इंडस्ट्री में काम करने का, वो भी यही देखते थे और आज वो कर रहे हैं। तो उनके साथ आपका एक जो कनेक्शन है वो बन जाता है और आप ये समझ पाते हैं कि नए एक्टर को क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये प्रॉपर लर्निंग वीडियो है, इसको आखिर तक देखिएगा। एंजॉय करने के साथ साथ ये भी सीखिएगा कि आप इसमें कैसे काम करेंगे। कुछ भी करते रहो, लाइट देखो, तुम उस लड़की को लेके आओ स्टूडियो में, तुम स्टूडियो में काम करते हो, चुपके से लेके आए हो, तो यू शुड सी द स्टूडियो एंड सी उसकी हंसी, उसकी खुशी, ठीक है? वो बार बार उसके फेस में देखना है कि शी इज हैप्पी, ठीक है? अभी एक क्योंकि सॉन्ग का शूट है तो इसमें डिफरेंट मोंटाजेस होते हैं। अभी मस्ती भरा शॉट है कि लड़का थोड़ा शर्मा रहा है लेकिन लड़की पूरी मस्ती में है, इस तरह का शॉट है। अभी एक क्रिएटिव शॉट है कि कैसे कर रहा है तो डायरेक्टर खुद बता रही है उनको। तो मैं भी शूट पे था तो मुझे देखा कि मेकअप का टचअप होना ज़रूरी है, तो वो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए। आपको डायरेक्टर का जो तरीका है समझाने का वो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं उनको दिखा पाऊँ। क्योंकि जब शॉट देते हैं तो पसीना काफ़ी आता है, लाइट बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो मेकअप जो है वो टचअप करना बहुत ज़रूरी होता है। ये फ्रेम आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है और अब डायरेक्टर के चेहरे पे स्माइल आ गई क्योंकि उनके हिसाब से शॉट उनको मिल रहा है। तो ये ऑन लोकेशन होता है कई बार, तो आपको लगेगा कि डायरेक्टर रूडली बात कर रहा है लेकिन वो पर्टिकुलर शॉट के बारे में बात कर रहा होता है, उसको रिजल्ट चाहिए होता है। तो डायरेक्टर को जैसा शॉट चाहिए होता है वो उनकी डिमांड होती है और जब वो नहीं मिलता है तो कई बार वो आपको लगेगा कि वो आपसे नाराज़ हैं, लेकिन कभी भी इन चीज़ों को माइंड में या दिल में नहीं लेना चाहिए, वो पर्टिकुलर उस शॉट के बारे में बात करें। गाना बहुत अच्छा है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं। आपको सॉन्ग कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। तो ये एक ही लोकेशन पे नहीं है, अलग अलग ब्लॉक पे है, उसमें भी हम देखेंगे। बढ़िया, बहुत
तो जब शॉट अच्छा मिलता है तो डायरेक्टर खुश हो जाता है और क्लैपिंग भी मिलती है। अब देखिए ये बहुत ही ट्रिकी शॉट है कि कैमरा रखा गया है लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से और फीमेल को लड़की को उसके हिसाब से एक्सप्रेशन दे रहे हैं कैमरे में देख के। तो ये ट्रिकी शॉट्स होते हैं, लिए ही जाते हैं, गानों में भी लिए जाते हैं, शॉर्ट फिल्म और फिल्मों में भी लिए जाते हैं इस तरह के शॉट। आप देख के बिल्कुल सरप्राइज हो गए होंगे कि ऐसे भी शॉट होते हैं, लेकिन ये सब आपको करना होगा जब आप फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट, छोटे छोटे शॉट होंगे। अब उसका अपोजिट यानी कि अब वो जो लड़का है वो रहेगा और जो कैमरा रहेगा वो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, सेम उसका काउंटर शॉट है ये। तो देखा आपने, कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, डायरेक्टर बता भी रहे हैं, जब डायरेक्टर के हिसाब से उनको शॉट मिल जा रहा है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ रही है, जब नहीं मिल रहा है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा है, थोड़ा सा नए एक्टर को समझने में भी दिक्कत आ रही है, और ये सब कुछ नॉर्मल है, ये सभी के साथ होता है जब नई नई पारी की शुरुआत होती है, इवन बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी होता है। हाँ, वो वाले जो सीन होते हैं वो कभी आपको दिखाए नहीं जाते क्योंकि बड़े बड़े स्टार की रेपुटेशन की बात होती है, उनकी इज्जत की बात होती है, लेकिन मैं ओपनली सब कुछ दिखा देता हूँ आपको। जॉइंट फिल्म्स एकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल का ये तरीका कैसा लगता है? जो गोल है उसको देखना। अब ये दूसरा सेटअप है, अब देखिए डायरेक्टर कितने अच्छे से बता रहे हैं उनको, आपको बस सरेंडर करना है, समझना है कि डायरेक्टर क्या चाहते हैं आपसे। तो जो शॉट डायरेक्टर ने बताया सेम शॉट अब दोनों प्ले कर रहे हैं। बहुत डिटेलिंग में शॉट लिए जा रहे हैं जैसा डायरेक्टर चाहते थे, और क्योंकि ये ओरिजिनल सॉन्ग है तो कोई रेफरेंस नहीं है आर्टिस्ट के पास। जॉइंट फिल्म्स म्यूजिक पर ये सॉन्ग रिलीज होगा, वहाँ पर भी आप इसे देख पाएंगे जब पूरा फिनिश हो जाएगा। अब ये डिफरेंट सेटअप है और वहाँ पे एक अलग सीन सेटअप किया गया है। मैं वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर की जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ये एक एक्सपीरियंस ले पाएं कि आपको ही डायरेक्टर बता रहा है। तो एक फनी मोमेंट क्रिएट किया है डायरेक्टर ने और वाकई बहुत अच्छा लगेगा, तभी सब हंस रहे हैं। अब ये इंटरकट जो शॉट है लड़की का कि वो उस शॉट को जो डायरेक्टर ने बताया था उसको देख के हंस रहे हैं। अब देखिए एक्चुअल तो कोई फनी चीज़ें सामने हो नहीं रही हैं, लेकिन आपको इनएक्ट करना है और यही कैमरा एक्टिंग में बहुत टफ हो जाता है नए एक्टर के लिए, लेकिन एक बार आप एक्ट ऑन क्यू या स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग सीख जाते हैं
तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप इसकी शुरुआत स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक से भी कर सकते हैं। तो जब तक लाइटिंग का अरेंजमेंट किया जा रहा है, एक्टर अपनी अपनी पोजीशन पे हैं। ये जो टाइम होता है, ये आपको अपने स्टेप्स पे लगाना चाहिए कि आप कैसे परफॉर्म करने वाले हो, क्योंकि ये टाइम मिलता है सारे एक्टर्स को, और मैक्सिमम एक्टर क्या करते हैं, इस टाइम पे दूसरों से बात करने लग जाते हैं। जितना हो सके ऐसे टाइम पे आपको अपने ऊपर ही फोकस रखना चाहिए। वाकई बहुत ही अच्छा शॉट डिज़ाइन हुआ है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत फ़नी रहेगा, क्योंकि आसपास के लोगों को भी बड़ा मज़ा आ रहा है शॉट देख के। आप जितना कॉर्पोरेट करते हैं डायरेक्टर को, जितना सरेंडर करते हैं, उतना ही डायरेक्टर फिर आपसे एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा चीज़ें निकलवाता है, और वही स्क्रीन पर नज़र भी आता है। तो बहुत अच्छा होता है कि डायरेक्टर को अंडरस्टैंड करें, और वो जो भी चाहते हैं आप बस वो आउटकम देते रहें उनको। अब वाला शॉट होगा, आप भी अगर यही एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, इस तरह से कैमरा एक्टिंग सीखना चाहते हैं, ऑन कैमरा काम करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर एक बार कॉल करें और पता करें कि आप कैसे नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये था ऑन लोकेशन वीडियो। अगर आपका भी अब मन कर रहा है कि आप जानें कि आप कैसे घर से ही शुरुआत कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकल कैमरा एक्टिंग सीख सकते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड सीख सकते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है जॉइन फिल्म्स एकेडमी का, उस पर कॉन्टैक्ट करें और पता करें कि आप ये सब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।